चीज और बता रहा हूं, रीड 2016 को लेकर जो लोग सुन रहे हैं सुन लीजिए, एसएलपी लोग एसएलपी सुप्रीम कोर्ट से वापस लेने के लेकर जो जो मामला उर्मिला वाला जो केस है सुप्रीम कोर्ट में, अंग्रेजी विषय वाला एसएलपी वाला, पुनः कहूँगा इसको स्पेशल देखना, क्योंकि अब जैसे मैं बोलूँगा ना कॉपी पेस्ट तैयार हो जाएंगे, गैंग बनी है कॉपी पेस्ट वाली। वो क्यों, उनको अभी तक कुछ नहीं पता ना। मैंने कहा कि कार्यवाही में फाइल है, सब लोग कार्यवाह कर रहे थे, पॉजिटिव कर रहे थे, उनको एबीसीडी का पता नहीं। आप आपको बता दो, कार्य विभाग से फाइल शिक्षा वाप जा चुकी है, कार्य विभाग ने नेगेटिव लिखा है, नेगेटिव लिखा है एसएलपी वाले मामले, 2016 वाले मामले में। लेकिन आपको हताश होने की आवश्यकता नहीं है, कार्य विभाग ने तो रीट 2018 के लिए भी नेगेटिव लिखा था, और वही माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनको पॉजिटिव किया था। मैं मुख्यमंत्री जी से मिल के आया था उस समय पॉजिटिव, मैं दोबारा मिलूंगा और आपके रीट 2016 के एसएलपी वापस लेने वाले मामले को पॉजिटिव कराने की मैं पूरी कोशिश करूंगा, पूरी ताकत लगाऊंगा, क्योंकि आप लोगों की मैंने पीड़ा देखी लगातार, छोटे छोटे बच्चों की तस्वीर भी देखी है। लेकिन आप लोगों के लिए थोड़ा सा सीख लेने की बात है कि अब देख लीजिए, पता है क्या उनको एबीसीडी का, कुछ नहीं पता, लेकिन उस चीज़ को लेकर अब स्पष्ट बता दूं, कार्य विभाग नेगेटिव था, शिक्षा विभाग में गई है, इस संबंध में मीटिंग हुई है। मैं कोशिश कर रहा हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी के लेवल पर उनके अधिकारियों की मीटिंग हो इसके संबंध में, और उसमें हरी झंडी मिले इसके लिए मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ। रीड 2016 के लिए, 2016 अंग्रेजी का रास्ता खुलेगा तो साइंस पेज का भी खुल जाएगा, उसके लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ। संस्कृत विभाग का भी जब फैसला हो जाएगा उसके लिए भी हमने सुभाष अग्रवाल साहब से पहले बात कर ली थी, इसके लिए हम कोशिश करें। लेकिन विशेषकर वो जरूर सुने, उनसे बचकर रहें, मुझसे मिलिए, मेरे साथ चलिए, मैं कोशिश करूँगा आप लोगों के लिए कैसे भी वापस हो और आप लोगों को न्याय मिले, जो 826 परिवार है उसके बाद 900 जो 77 जो कितने 27 कितने हैं इसके साइंस मेथ वाले, उसके लिए हम प्रयास करेंगे।